हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर चैनल एआर ऑटोमोबाइल्स। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी हमारी जो गाड़ी जो स्कॉर्पियो काम चल रहा है उसका हमने जेन्युइन सामान महिंद्रा का जो ऑर्डर किया था उसका सामान यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों को आप बताओ कि हमारा ये सब सामान जो महिंद्रा का सब चीज़ें आ चुकी है, जिसमें कि बोनट, डी पिलर और साइड मिरर्स और सारी आईब्रो साइड की ग्लाइडिंग वगैरह सब हम लोगों ने ऑर्डर कर दी है। सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है और ये हमारा वर्कशॉप है जो कि आप देख रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी है, ये हैंडल हैंडल भी मिला है। हाँ, ये सब अपने को चेंज करना है, हैंडल वगैरह ये भी बदलना पड़ेगा, इसको भी बंद करना पड़ेगा। हमारे दर्शकों को बता दो आप सारी चीज़ें कि हमने साइड मिरर वगैरह इसको ऑर्डर किए थे जो कि आ गए हैं। दूसरा नेक्स्ट बस ये हमारी हेडलाइट्स है क्योंकि स्कॉर्पियो S7 की लाइट्स हैं जो हम इसमें लगाएंगे। जो हमने महिंद्रा शोरूम से बुलाई गई है, सारा सामान महिंद्रा शोरूम से लाया है। ये अपनी साइड वाली आईपो, ये अपनी ग्रिल है, ये ग्रिल है जो A7 में लगाए हैं। एक बार अच्छे से देखो, ये साइड वाली आईपो जो ग्लाइडिंग है, ये पूरा सेट है उसका जो हमने महिंद्रा से मंगवाया है। ये हमारा बोनेट एकदम पेटी पे दिखा दो अंदर से, सबको अंदर से दिखाओ। ये हमारा बोनेट है, और हमारी अभी डिक्की एक दो दिन में आने वाली है। अब ये पूरा सामान बता दो कि आपको कहाँ लगा हुआ मिलेगा। ये हमारी बिफोर गाड़ी है, एक महीने बाद आफ्टर हो जाएगी। हाँ, 2021 मॉडल S11 में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। और ये सारा सामान हम जो जेन्युइन यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ें ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं जो हम इसमें लगाएंगे। और आप सभी देखेंगे इसमें लाइट से लेकर पीछे की लाइट और आगे की ग्रिल, बम्पर, बोनट, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो ये हम एक ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं लोग, और आप ये सब चीज़ देखेंगे कि हम इसको CRD इंजन को और इस 2006 मॉडल को हम 2021 में कन्वर्ट करेंगे। तो बम्पर हमारा रखा हुआ है S7 का, तो ये बम्पर भी आप देख सकते हो। इसकी मैं प्राइस, कॉस्टिंग वगैरह सब चीज़ें आपसे मैं शेयर करूँगा बहुत जल्दी कि इसका कितना एस्टिमेट बना है अपना अप्रॉक्स, जो हमने महिंद्रा से चीज़ें ऑर्डर करी है, जिसमें कि डिक्की हो गई, फ्रंट बम्पर हो गया और अपना फ्रंट बोनट हो गया, साइड लाइटिंग्स हो गई, साइड आईब्रोज हो गई, और प्लस सबसे बड़ी चीज़ जो फ्रंट लाइट है, जो हेड लैम्प्स है, उसकी भी मैं आपसे प्राइस शेयर करूँगा। और पीछे की टेल लाइट्स वगैरह हमने इसकी ऑर्डर करी, जो कि अभी आशीष भाई ने आपको सारी चीज़ें दिखाई है। तो इसकी मैं प्राइस एंड कॉस्टिंग भी आपसे डिस्कस करूँगा कि कितना इसका एस्टिमेट आया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि हम लोगों ने महिंद्रा से क्या क्या ऑर्डर किया है। अब मैं इसकी प्राइस के बारे में आपको थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ, जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है क्योंकि महिंद्रा कंपनी है। तो महिंद्रा से जो भी हम चीज़ें ऑर्डर करते हैं थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, फिर भी एक जनरली मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने बम्पर लिया है, और बम्पर हमको कुछ 2600 रुपये के आसपास का पड़ा है। और इसका जो बोनट हमने लिया है, बोनट कम से कम 10,000 रुपये का पड़ा है इसका। और इसकी जो ग्रिल आप देख रहे हैं, ये ग्रिल 4,000 की है। और अपना जो इसकी साइड पिलर है, और जो नीचे की जो टेल लाइट्स है, टेल लाइट्स अराउंड कुछ 4,000 के आसपास पड़ी है। और बाकी इसकी जो साइड आईब्रोज का सेट है वो 1900 से लेकर 2,000 रुपये तक का पड़ा है। तो ऐसे ओवरऑल कुछ इसका सामान अभी आया है 35,000 के आसपास आया है। अभी इसका डिक्की हमने ऑर्डर कर रखी है, डिक्की का भी अप्रॉक्स एस्टिमेट इसका 13,000 के आसपास रहेगा। और ओवरऑल मैं आपको एक स्लिप बना के मैं आपको आपसे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा, पर आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि
50 से 60,000 रुपये का ओरिजिनल महिंद्रा जेन्युइन सामान जो हम बाहर बाहर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 50 से 60,000 रुपये तक का जाएगा।